तुर्की में 3,000 पाउंड के दौरान ब्रिट की मौत मर जाता है। तुर्की में कार्दशियन से प्रेरित कॉस्मेटिक सेशन। जेद 25 केवल पता चला कि उसे घर वापस आने के बाद उसे पुनर्जीवित करना होगा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक मम जो किम कार्दशियन जैसे नुकीला को चलाने की कोशिश कर रहे थे लगभग ऑपरेटिंग मेज पर मर गया था, लेकिन नहीं बताया गया था। जेट स्टेफोर्ड 25 तुर्की में एक कॉस्मेटिक क्लिनिक के लिए 4 दिवसीय यात्रा के लिए 3,000 पाउंड का भुगतान किया, जिसमें उसे पीठ और टम से वसा लेने के लिए उसे नीचे पंप किया गया था, लेकिन वह पीड़ा से सर्जरी से गोलियां आई और उन डॉक्टरों द्वारा मॉर्फिन दिया गया जिन्होंने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। चिंतित जेद ने 7 दिन तक आराम करने के लिए उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और 2 के बाद घर चले गए। उसके जीपी ने उन्हें अस्पताल में एक अनियमित दिल की धड़कन के साथ भेज दिया और फेफड़ों को ढका कर दिया। मेडिक्स ने कहा कि उसकी छाती पर चोट लगने से एक हृदय की द फॉलोइंग स्टी के बाद सीपीआर दिया गया था। ब्यूटिशियन जेड लारिया 6 और अमारा 18 महीने के बच्चों के साथ घर लौटते हुए कहा, मैं काम नहीं कर सका क्योंकि मेरी छाती पीड़ा में थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि वे निश्चित हैं कि मुझे हाल ही में कठोर सीपीआर था जो मेरे फेफड़ों के आंशिक पतन का कारण बना था। मैं बहुत गुस्सा था कि निचले ऑप्शन वाले लोगों ने मुझे यह कहकर फंस किया था कि मुझे मॉर्फिन के लिए एलर्जी की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जेट स्टेफुड ने क्लिनिक पर मुकदमा चलाने के बारे में सॉलिसिटर से सलाह ली है और उसके जीपी से एक शर्मनाक पत्र है जिसमें कहा गया है कि वह हृदय की गिरफ्तारी कर रही थी। इस्तांबुल क्लिनिक ने 10 मार्च को जेद के ऑपरेशन के बारे में दावा किया था। एक प्रवक्ता ने कहा, पेट के क्षेत्र में लिपोसक्शन से सीने में चोट लग सकती है, अगर हमें सीपीआर देना पड़ता था तो निश्चित ही उसे सूचित किया जाता।